और यूट्रस के लिए चोटी की दवा है, क्योंकि अगर गैंग्रीनस टेंडेंसी पाई जाए तो रहम में जो तकालीफ होती हैं वो बाज़ा मुस्तकिल तौर पर बलाए जान बन जाती हैं, वो ठीक ही नहीं होती आम दवाओं से। उसमें सीकेल कौर चोटी की दवा है। बल्कि सीकेल कौर के मुतालिक एक ये नुक्ता याद रखना चाहिए, अगर कुछ सीकेल कौर से मिलती जुलती मरीजा हो लेकिन अगर ना भी जिस्मानी तौर पर मिले, मोटी भी हो, लेकिन सीकेल कौर की एक अलामत उसमें मिले कि एबॉर्शन की बहुत टेंडेंसी है, यहाँ तक कि वो मायूस हो जाती है और रहम में जान ही नहीं है कि वो बच्चे को 9 महीने उठा के पाल सके, उसका बहुत मौसर इलाज सीकेल है। ऐसी औरतें जो बच्चे से महरूम हैं इस वजह से कि रहम इतना कमज़ोर है, उनको बाद दूसरे जो नुस्खे दिए जाते हैं रहम के टॉनिक के, वहाँ उनमें काम नहीं करते, आम तौर पर काम करते जाते हैं, लेकिन अगर ये बीमारी हो और अगर आप साथ ये देख लें कि उसमें गैंग्रीन की टेंडेंसी है या ब्लॉचेज हैं जिस जिस्म के ऊपर, वो पर्पल किस्म के, पर्पल को क्या कहते हैं उर्दू में, हैं जामनी, तो ऐसी मरीजा के लिए तीर बहादुर है ये दवा, कर ये 1-2 महीने के अंदर अंदर उसके यूट्रस उसके रहम की काया पलट देती है, वो मजबूत तवाना और फिर हर बच्चे का बोझ उठा सकता है, बच्चे का हर बोझ मुराद है, हर बच्चे का नहीं।